हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बड़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी, स्पाइरल पोटैटोस। स्पाइरल पोटैटो बनाने के लिए मैंने 4 आलू गर्म पानी में रख दिए थे और इन्हें फिर मैंने 10 मिनट के बाद ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो हम इसका छिलका नहीं उतार रहे हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और अब इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें कट लगाने हैं, इसके रिंग्स बनाने हैं और बेस को हमें सेपरेट नहीं करना है। तो बेस को बचाते हुए हमें कट लगाने हैं। तो देखिए, इस तरह ये जो रिंग्स हैं बनकर रेडी हो जाएंगे। बाकी के सारे जो पोटैटो हैं वो भी इसी तरह मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब हमें इसे ग्रीस करने के लिए गार्लिक बटर बनाना है, तो वो भी हम घर पर ही रेडी करेंगे। गार्लिक बटर बनाने के लिए 1 टेबलस्पून बटर ले रहे हैं और इसे स्लो फ्लेम पर हमें मेल्ट करना है। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बड़ी जल्दी बनती है, तो आप इसे कभी भी इवनिंग स्नैक की तरह इंजॉय कर सकते हैं। गार्लिक का फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन और गार्लिक दोनों फ्लेवर जो हैं इसमें बटर में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे 5 से 10 सेकंड तक चलाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसे मैंने छलनी की हेल्प से छान लिया है और हमारा गार्लिक बटर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे ब्रश की हेल्प से हमें एक एक रिंग को सेपरेट करते हुए ग्रीस कर लेना है। बाकी के सारे आलू भी इसी तरह हम ग्रीस करेंगे। इसको ऊपर से भी हम अच्छी तरह से इस ग्रीस करेंगे ताकि जो इसके ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी बने। और थोड़ा थोड़ा इसमें हम जो रिंग्स के अंदर काला नमक और काली मिर्च भी ऐड करेंगे। काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत टेस्टी लगता है। सारे आलू इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो अब मैं इन्हें माइक्रोवेव करूंगी। जो माइक्रोवेव में पोटैटो वाली ऑप्शन होती है उसे क्लिक करके मैं इन्हें 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूंगी और 5 मिनट में ही ये रेडी हो जाएंगे। तो हमारे पोटैटो रिंग्स बनकर रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और फाइनली मैं इसे गार्निश करूंगी पार्सले से। तो फ्रेंड्स, ट्राई दिस रेसिपी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।